हैशटैग रोड ड्रिवन आरएनएम एंड हिस्ट्री टीवी 18 में हमने एक बहुत काम की चीज सीखी है कि जब आप हमारे महान देश में निकलो घूमते हुए या छुट्टी पे, तो सिर्फ मेन रोड पे मत रहो, ऑलवेज जब भी हो सके मेन रोड से उतर के थोड़ा सा इधर या उधर जाएंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिल सकती हैं। जैसे कि यहां पे अहमदाबाद के सिर्फ 18 किलोमीटर बाहर अदरज में ये अद्भुत स्ट्रक्चर। अदरज की वाह बोलते हैं इसे। 1498 में बघेला किंग वीरा सिम्हा की वाइफ रूदा ने बनाया था। ये कहानी यहाँ के गेट पे लिखी है, लेकिन गुजरात टूरिज्म की वेबसाइट कुछ और बोलती है। गुजरात टूरिज्म की वेबसाइट बोलती है कि महमूद बेगदा ने ये बनाई थी और 1411 में बनाई थी उन्होंने। तो कहानियां बहुत है। कहानी ये भी है कि एक राजा की दूसरे राजा से लड़ाई हुई, एक राजा के हार के बाद दूसरे राजा को उसकी बेगम से प्यार हो गया। बेगम ने कहा ये बावली खत्म करो तभी मैं आपसे शादी करूंगी। बावली खत्म की गई लेकिन फिर बेगम ने अपनी जान दे दी। उसके बाद बावली भी बन गई और शादी भी नहीं हुई। तो कहानी सच क्या है झूठ क्या है यह हमें मालूम नहीं। ये आपको कई सोर्सेज से कई अलग अलग कहानियां मिल जाएंगी। हम तो ये बताना चाहते हैं कि इससे खूबसूरत जगह आपको ढूंढने में कम ही मिलेंगी। बहुत ही शानदार, अगर आप अपने पीछे देखें, ये देखें ये पिलर्स जो हैं, ये एंट्रेंस जो है, इतनी शानदार कार्विंग इसकी। और ये फिर 500 साल से ज्यादा पुरानी जगह है। इसके बारे में आप सोचिए कि 500 साल पहले हम ऐसा आर्किटेक्चर बना रहे थे और आजकल सीधी दुकान भीखा पकवान। तो जो वाव जो गुजरात में बोलते हैं वो है स्टेपवेल। उसके मल्टीपल पर्पसेस होते थे पुराने टाइम में। एक तो जो स्टेट्स होती थी जहां पे पानी कम था, ये पानी के स्टोरेज के लिए बहुत जरूरी। यहां से घूमेंगे हम, यहां से धीरे-धीरे घूमेंगे और ये लोग सब जगह देख सकेंगे। ओह लवली सर, आप क्या डायरेक्ट करते हो। थैंक यू फैंटास्टिक। प्लीज अगले प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टर हायर। हां तो पानी कम, तो जब पानी कम होता था तो ये जो स्टेपवेल जो वाव होते थे, नंबर वन यहाँ पे पानी भरा जाता था, अलग अलग दूर दूर से गांव से लोग आके पानी भर सकते थे। सेकेंडली ये रहता था कि ये बनाने के थ्रू जो राजा होते थे, जो भी इंचार्ज होते थे, वो सब लोगों को उनको मतलब काम देते थे ताकि वो काम कर सके, अपना कमाई कर सके। एंड थर्डली आराम और सुंदरता। मतलब अगर आप ट्रैवलर हैं, आप रात को, उस टाइम होटल्स तो होते नहीं थे उस टाइम पे, तो अगर आप ट्रैवलर कहीं रात को फंस गए तो ये स्टेपवेल ऐसी जगह होती थी कि आप आके ट्रैवलर जो है थका मारा आके यहाँ पे थोड़ा पानी पी के आराम कर सकता था। जी हाँ बिल्कुल, और आराम कैसे, और अपने दोस्तों से बातचीत भी कर सकते थे। आप यहाँ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। बिल्कुल ठीक था, देख रहे हैं ऐसे आराम होता था। ये स्टेपवेल काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पे तीन अलग अलग डायरेक्शन से एंट्रेंसेस हैं और ये पांच माला फाइव जो है स्टोरीज का स्टेपवेल है। खैर जो अब जो लोअर वाली स्टोरीज है वो सील हो गई है सेफ्टी के लिए। और उसमें एक और बड़ा अच्छा फीचर था कि हर लैंडिंग पे, हर फ्लोर पे ये ऊपर खुला होता था ताकि आपको लाइट मिले। लेकिन इसका डिजाइन ऐसा था कि सिर्फ जब मतलब बिल्कुल नून टाइम होता था, दोपहर के 12 बजे आपको धूप पड़ती थी, नहीं तो काफी छाया में रहता था। और आप देखेंगे जो वाव होते हैं ऑलवेज इन पे 5-6 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा ठंडा होता है बाहर से। यस, अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो इट्स अ कूल प्लेस। वेरी कूल, बीइंग अ कूल प्लेस। तो ऐसी कूल जगहों पे आए, ऐसी झांकियों में अपने दोस्त के साथ खड़े होकर एक हाथ ऊपर करके फोटो खिंचवाए, जरा पीछे के देखिए ना पूरा अफेक्ट देखिए कितना अच्छा है। ऐसी फोटो खिंचा अपने एल्बम में डालें, क्योंकि तीन लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा ट्रैवल करते हैं। एक है गुजराती, दूसरे है पंजाबी, और तीसरे है बंगाली। ये तीन लोग आपको दुनिया में सब जगह मिल जाएंगे। तो आप हमें लिख के बताइए कि अगर और भी कोई ऐसे लोग हैं इंडिया में जो इन लोगों जितना या इनसे ज्यादा ट्रैवल करते हैं और हम उनको बताना भूल गए हो, तो ये लिख के हमें जरूर बताइए। ऑल्दो आई डोंट थिंक कि आपको कोई ऐसा और मिलेगा। वैसे यू नो व्हाइल वी टॉकिंग, मेरे को सडनली रियलाइज हुआ कि हम #RoadTripInRNM पे दो या तीन जगह ऐसे वाप पे जा चुके हैं स्टेपवेल्स पे, और अब मुझे समझ आया कि उनको ये नाम कैसे पड़ा। वाओ, जैसे आते हैं आप बोलते हैं वाओ क्या जगह है, ऐसा लगता है कुछ आ गए। What a place. Yeah.